What is up, ladies and gentlemen? This is Gaurav here, and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are well and doing good in your life. Guys, right now I am in Lonavala at Ashiyana Villa. और यहाँ आने का मेन पर्पस है बर्थडे सेलिब्रेशन. विपेश जो है उसकी बहन कनिष्का का आज बर्थडे है, सो उसके बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं 2 days के लिए. मतलब बेसिकली आज की रात रुकेंगे और कल सुबह का चेकआउट है. और मैं ये सोच रहा हूँ हम लोग इतने ज़्यादा लकी है, मतलब आज संडे वीकेंड है, आज का दिन है और कल से जो है पूरा लॉकडाउन लग गया है मेरे को. मतलब 2 दिन पहले मेरे को सुनने में आया कि मंडे से जो है खाली 4 बजे तक सब चीज़ें चालू रहेंगी. सो अगर कल उसका बर्थडे पड़ता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता. अभी कल हम लोग चेकआउट कर लेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे तो कुछ सीन नहीं होगा. तो अब सबसे पहला काम जो मैं हर स्टे में करता हूँ जो होता है रूम टूर, वो मैं आप लोग को करवा देता हूँ और धीरे धीरे इस विला की सारी डिटेल्स देता हूँ. तो बस ये रूम में चल रहा है बर्थडे सेलिब्रेशन का डेकोरेशन, जो वहाँ बैठी मानसी कर रही है अकेली और यहाँ बैठी हमारी बर्थडे गर्ल कनिष्का. हैप्पी बर्थडे टफी 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 आ गई है. टफी आ गई है नहीं है वहाँ पे कुछ टफी. तो गाइस ये हम लोग एक छोटा सा मिनी पूल और वाटरफॉल भी हो रहा है एक छोटा सा. और ये है हम लोग का मेन लिविंग हॉल. ठीक ठाक है, मतलब पैसे के हिसाब से सही है. बेसिकली एक 3 BHK विला है, यहाँ पे एक बेडरूम जो है यहाँ पे हॉल के साथ ही अटैच्ड है, जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी. ये है पहला बेडरूम जो हॉल के साथ ही अटैच है, छोटा सा है काफी. एसी भी है, हर बेडरूम में एसी है और बाकी जो 2 बेडरूम है वो ऊपर है. किचन है, किचन है, गैस प्रोवाइडेड है, आपको कुछ भी बनाना वगैरह बना सकते हो. बाकी और कुछ नहीं यहाँ पे दिखाने के लिए, ऊपर चलते हैं. तो गाइस ये 2 बेडरूम है जो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ और ये बेडरूम के ठीक सामने जो है ना एक एम्प्टी स्पेस मिल जाता है आप लोगों को. सो यहाँ पे भी आप चीज वगैरह मान सकते हो. टफी के साथ रूम टूर और सबसे इम्पोर्टेंट जो है टफी एक मेरे लिए आज के इस ट्रिप में, आज की स्टे में फर्स्ट टाइम हम लोग के साथ आई है. आराम से इसको पहले अलाउ नहीं कर रहे थे वो लोग, फिर हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि एक डॉग भी है. तो लोगों ने बोला ठीक है बस थोड़ा ध्यान रखना, और ये पूरा गंदा कर रही है. उसको नीचे उतार, नीचे उतार जाता. ये नहीं, ये नहीं, ठीक है उसका खिलौना. अच्छा हाँ, जिसको पकड़ती हूँ मैं, छोड़ उसको. छोड़ अभी वो ये करेगी, मस्ती करेगी. छोड़ ना छोड़ गंदा है वो. छोड़ दे. सो गाइस अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, हम लोग का खाना आ चुका है. आंटी का उपवास है, इनको कुछ खाने नहीं मिलेगा. पाप लगेगा तुम लोगों को. कौन से खाना सर्व कर रहा है? उपवास है, नहीं उपवास पाप लगेगा. नहीं नहीं 12 बजे दिन अपना है. दाल खिचड़ी. अच्छा मैगी लग रहा है. हां मैगी लग रहा है. अभी रात के 8 बज रहे और सच बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है यहाँ पे. और हम लोग पूल से भी अभी जस्ट आए, उसके बाद बॉडी पूरी ऐसी कांप रही थी. और अभी हम लोग का टाइम हुआ है बर्थडे सेलिब्रेशन करने का, पूरा डेकोरेशन वगैरह प्रॉपर हो चुका है. मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अभी आप लोगों को भी मैं दिखा दूँ. अभी हम लोग सीधा चलते हैं उस रूम में जहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन होगा और मैं आप लोगों को डेकोरेशन दिखा दूँ कितना अच्छा लग रहा है. Thank you.
कभी उठी तू? कभी उठी सुबह? वो ऐसा हाथ दे दिया, इसका मतलब क्या माने यार? खुजाने बोलती है उसको। अरे हाथ में डाल दिया, मतलब दिया। समझा? Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और कल रात को केक कटने के बाद यहाँ इतनी ज़्यादा ठंडी बढ़ गई ना कि मैं बस एक कोने में ऐसा हाथ रख के बैठ गया। और उसके बाद फिर हम लोग ने खाना खाया, खाना खाने के बाद कब फिर नींद लगी और कब सुबह हुई मैं कुछ भी नहीं समझा। थोड़ा भी ऐसा शूट करने का, थोड़ा भी ब्लॉग करने का कुछ टाइम नहीं मिला। अभी सुबह के 8:30 बज चुके। एक्चुअली मैं पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू ट्रैवल कर रहा हूँ और बॉडी को थोड़ा भी आराम नहीं मिला। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ रहा है मेरे साथ कि मैं कहीं पर स्टे के लिए आया हूँ, मेरे को पूल में जाने का थोड़ा भी एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि थोड़ा भी एनर्जी नहीं बचा है। मतलब इसके पहले का भी मैं जस्ट सोलानपाड़ा जाके आया था और उसके अगले दिन यहाँ पे आने का था, पर यहाँ पे तो फिर भी हम लोग कार से आए, लेकिन बाकी जगह हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं सब स्कूटी पे ही रहता है, सो उसके अंदर भी एक अलग एनर्जी पूरा चला जाता है। मेरी डिटेल्स वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आपको कुछ भी अगर जानना रहे, कुछ भी अगर पूछना रहे तो कमेंट कर सकते हो और डायरेक्टली मैं मेरा नंबर भी दे दूंगा, मैं कॉल कर लेना, कुछ सीन नहीं है। और फ्रिज है और हर रूम में एसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो ज़्यादा चाहिए रहता है लोगों को। पूल ठीक ठाक है, एवरेज साइज है, मतलब छोटा सा पूल है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट पैसे के हिसाब से ठीक है। सो गाइस इट्स ऑलमोस्ट 11:30, 11 बजे चेकआउट था, आधा घंटा लेट हो चुका है बट ठीक है, आज कोई बुकिंग वगैरह नहीं है। सो सारी पैकिंग वगैरह भी हो चुकी है, अभी हम लोग निकलने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। मैं भी सब कुछ रेडी करके खड़ा हूँ यहाँ पे अभी। वैसे ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन मैं भाई, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट। मिलते हैं अगले ब्लॉग।